ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है पहली अप्रैल 1968। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों के प्रति। किसके प्रति? अपने शालिग्रामों के प्रति, माना जो भी राजयोग सीख कर बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाले हैं उनके प्रति। बाबा ने जो ये महावाक्य उच्चारे, इन महावाक्यों को और कोई समझ नहीं सकता कि शालिग्रामों के प्रति ही भगवान वाच क्यों। परंतु ये बातें सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं, इसमें क्या समझने की बात है। इसमें समझने की बात क्या हुई कि भगवान वाच स्पेशल के प्रति क्यों। भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, तो सभी आत्माओं के प्रति भगवान वाच क्यों नहीं। हाँ, जो बच्चे बेसिकली ही अपनी कट नहीं उतार सकते, आत्मिक रूप में बेसिकली भी स्थित नहीं हो सकते, अपने को आत्मा समझने की स्टेज पर ही नहीं पहुंचे, तो उनको समझाना न समझाना बेकार हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई गुहे पॉइंट बताई जाए तो समझाना न समझाना बेकार है। ऐसे ही जो यहाँ शालिग्राम बन करके बैठे हुए हैं, उनके प्रति ही भगवान वाच है। ब्रह्मा बाबा को शालिग्राम कहें या न कहें, है शालिग्राम नहीं कह सकते। इसीलिए उनकी बुद्धि में अब तक पढ़ाई का मुख्य पॉइंट कौन सा नहीं बैठा, गीता का भगवान, ये पॉइंट बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा। तो बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई। बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, इसमें सिवाय पढ़ाई के और कोई बात नहीं है। इसको याद भी क्यों कहें, जरूर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाला याद तो आता होगा, पढ़ाने वाला याद आता होगा, जो भी साथी हैं वो याद तो आते हैं ना। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं उनको खास कहना पड़ता है कि मैं तो दूर देश से आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो अभी सिर्फ मुझे याद करो। बाप को कहना पड़ता है क्योंकि ये नई प्रकार का टीचर है, और कोई भी टीचर ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, और सिर्फ मुझे याद करो। स्टूडेंट ऑटोमेटिकली याद करते हैं, और यहाँ कहना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी बाप नहीं है, रूहानी बाप इन आँखों से देखने में नहीं आता है, परंतु पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, साकार चाहिए,
तो साकार देखने में आता है, परंतु ये निश्चय की बात है। क्या साकार कब देखने में आवेगा? साकार हमें पढ़ाई रहा है मुख के द्वारा, ये देखने में कब आवेगा? जब ये निश्चय बैठ जाए कि पढ़ाने वाला इसमें सुप्रीम बाप बैठा हुआ है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु ये निश्चय की बात है। माया रूपी दुश्मन तुमको बुलाए देती है, जो न बुलाने की बात है वो भी बुलाए देती है। नहीं तो शिक्षा देने वाले को कब कोई भूलते नहीं है, परंतु यहाँ बच्चे कह देते हैं सुप्रीम टीचर को कि हम स्टूडेंट आपको भूल जाते हैं। बाप कहते हैं भूल जाने से तो तुम्हारा ही नुकसान होता है, तुम आत्माएं जो तम प्रधान से सतो प्रधान बनने आए हो उनको तो जरूर याद करना है। यही जो डिफिकल्ट बात है, क्योंकि वो बाप है और निराकार है, और सारे 5000 वर्ष में कब कोई ने ऐसा नहीं कहा है कि बच्चों मुझे याद करो। सुप्रीम बाप को याद करना पड़ता है। बाकी दुनिया तो कब ऐसे होता नहीं है, सतयुग में भी नहीं होता है, कल्प के संगम युग पर ही तुम याद करते हो। तो ये नई बात हुई ना, बाप को, टीचर को, गुरु को निरंतर याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। खंडित याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे, अखंड याद में टिकेंगे तो तम प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। बाप तुमको ये शिक्षा देते हैं, इसमें हठ योग क्रियाएं आदि कुछ भी नहीं है। नामी ग्रामी महर्षि जो है वो सभी कुछ न कुछ है हठ योग ही सिखलाते हैं। विलायत में जाकर के भी हठ योग सिखलाते हैं, अखबारों में भी उनके चित्र आते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा होता है ऐसे ऐसे करके सुला देते हैं, कहेंगे ब्रह्म को याद करो, परंतु वो अभी पूरा नहीं करते। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो सब कलयुग में होती है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है, और इस संगम युग पर ही बेहद का बाप आते हैं। तो जब किसी को पता ही नहीं है तो जरूर मुझेंगे, कोई शास्त्रों में भी ऐसी बातें नहीं है। पढ़ाते हैं बाप तो जरूर कुछ लिखत में भी होना चाहिए, और इस पढ़ाई की लिखत भी सिर्फ संगम युग पर ही होती है। आगे पीछे इस पढ़ाई की लिखत नहीं होती। तुम पढ़ते हो लिटरेचर, मैगजीन आदि छपते रहते हैं, बच्चों को ये पक्का होना चाहिए हम संगम युग पर हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर को भूल जाते हैं। तुम्हारी भाषा अर्थ सहित एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर पुरुषोत्तम ही नहीं
तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा? जरूर पुरुषोत्तम को जानना पड़े। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है और ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, उनकी फिर समझानी भी देनी है। ऐसे नहीं कि समझ लिया और खलास। कलयुग अंत के भी मनुष्य देखो, सतयुग आदि के भी मनुष्य देखो, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये है संगम युग। इनको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और जो भी युग होते हैं उनमें तो नीचे ही उतरना होता है, उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है, इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग कब से कहें? अगर 76 से कहें तो उससे पहले का क्या कलयुग था? है जैसे और सामान्य संगम युग होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का संगम तो होता है ना। ऐसे ही सन 36 से भल भगवान बाप आया, परंतु पुरुषोत्तम को किसी ने प्रैक्टिकल में, साकार में जाना नहीं, तो बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर भूल जाते हैं। ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि और जो भी युग है उनमें नीचे उतरना होता है। तो 36 के मुकाबले 76 में नीचे उतरना कहे या ऊंचे चढ़ना कहे? है नीचे उतरना कहे? 36 से लेकर के 76 तक नीचे उतरना हुआ या ऊपर चढ़ना हुआ? ऊपर कुछ कह रहे हैं नीचे उतरना हुआ, कुछ कह रहे हैं ऊपर चढ़ना हुआ, है? है? हाँ, 76 में जो भी आत्मा 76 से उत्तमता को पहचानती जाती है, उत्तम पुरुष को पहचानती जाती है, उनकी चढ़ती कला होती है। कोई कहे शूटिंग पीरियड में उतरती कला भी होनी चाहिए, उतरती कला भल होती है शूटिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी याद जो एक्यूरेट है उस एक्यूरेट याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, इसलिए टोटल क्या कहेंगे? चढ़ती कला। तो और युगों में दिन प्रतीत उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है, इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। सर्वशूल बच्चे ही ऐसे ऐसे पॉइंट धारण करके औरों को समझा सकते हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, नंबरवार तो होते हैं, ये तो तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। जिसमें बाप प्रवेश करते हैं वो भी जानते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते।
अपना ही देह अभिमान बहुत रहता है कि हम तो समझा ही सकते हैं, परंतु बाप तो जानते हैं। नाम लेने से भंग हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम कहना नहीं होता है। ये बाप ही समझाते हैं, बाप ही नॉलेज फुल ज्ञान का सागर है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो सभी के दिलों को जानते हैं, वो जाने जाने नहारे हैं, इसलिए नॉलेज फुल है। बाप कहते हैं नहीं, मैं कोई जाने जाना आहार नहीं हूं, ये कहना रांग है। मैं नॉलेजफुल क्यों कहलाता हूं? इसलिए नॉलेजफुल कहलाता हूं कि मैं सन्मुख बैठ करके समझाता हूं। बाप ही समझाते हैं, और कोई को समझाने आवेगा ही नहीं। बेसमझ को समझ देने वाला एक ही बाप है। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं सृष्टि का चैतन्य बीज हूं, इस कारण मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेज फुल कहते हैं। ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, वो खुद ही कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और ये बात शास्त्रों में भी है। क्या नीति नीति की बात शास्त्रों में आई हुई है? ये है बेहद की बातें, इनसे फिर हद के नाटक आदि बनाते हैं। एक चार अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज, ये भी बच्चे जानते हैं। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा? बेहद का वर्षा देने वाला बाप, उसको सभी याद करते हैं, और वो क्या वर्षा देते हैं ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आता। गायन करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि बेहद का टीचर भी है, और वो बेहद का टीचर पतित पावन भी है, लिबरेट करने वाला है, सदगति करने वाला है। बल बाप भी कहते हैं, परंतु सिर्फ कहते हैं कि वो गॉड फादर है। वो कब आवेगा, कैसे आवेगा, बिचारों को पता ही नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है कलयुग की आयु इतनी लंबी। यहाँ भी कोई आया था, कहा कि ये क्या बैठ लिखा है, ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है कि षष्ठी चक्र 5000 वर्ष का है, तुम्हारी कल्पना को ये सभी फॉलोअर फॉलो करते हैं। फिर कहने लगा ये संसार बना ही नहीं। अब जिसको जो आता है सो सुनाता रहता है। कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी बाप ही ये सब खुला खेल करते हैं। ये सारा ईश्वर का खेल है। ऐसे ऐसे भी बहुत निकल पड़ते हैं, एक दो से सुनते हैं तो सुन करके बोलते रहते हैं। ऐसी बातें करते करते उतरते उतरते कलयुग के अंत में आ जाते। फिर जब कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है, तब ही तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है।
ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती हैं। भक्ति मार्ग में तो उतरते ही रहते हैं। भक्ति को कहेंगे उतरता मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला। बाप आवेंगे तो तुम बच्चे चढ़ जावेंगे, फिर समय पर उतरना होता है। पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही होता है। पहले आधा कल्प प्रारब्ध मिलती है, उसमें भी कलाएं तो उतरती जाती है ना। फिर रावण राज्य है, डायनेस्टी अक्षर भी लिखना पड़े, कहां कहां बच्चे भूल जाते हैं। फिर आपस में सेमिनार आदि करते हैं तो करेक्ट करना चाहिए, भूलें तो होती हैं, मनुष्यों से ही भूलें होती हैं। अभूल तब बनेंगे जब निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे। फिर तुम्हारे लिखने में, करने में, समझाने में बड़ी ताकत रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतनी ताकत आती जाएगी। फिर कोई भी लिखत आदि में भूल नहीं होगी। अभी तो बच्चों से भूलें बहुत होती हैं, शुरू में भी भूलें ही भूलें थी। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है, शुरू में कोई इतना ज्ञान थोड़े ही था। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ये बात कहते ही रहते हैं, फिर साथ साथ तुमको गुयु गुयु बातें सुनाते भी रहते हैं। ऊंच जर्दा दर्जा तुम पाते हो तो चढ़ते जाते हो, दिन प्रतिदिन समझानी मिलती जाती है। तुम भी फील करते हो, आज बाबा ने हमको बहुत अच्छी पॉइंट समझाई, और धारण करते बाकी छोड़ना पड़ता है। कब अच्छा भोजन मिलता है तो फिर अच्छा भोजन मिलने के कारण हल्का भोजन खाने की दिल नहीं होती है। दिल करता है कि हलवा पूरी ही खाते रहे, तो ये भी ऐसे ही है। तुम जानते हो वेद का बाप हमको बहुत मीठी मीठी को ये पॉइंट दिखाते हैं, सुनाते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो ही समझा सकते हैं, बाप भी समझते हैं। इन पर धारणा अच्छी होती है, ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। बुद्धि किसकी अच्छी खुल जाती है और किसकी कब डल हो जाती है। कोई बल बहुत अच्छा भाषण करते हैं, परंतु क्रिमिनलाई के कारण बुद्धि भ्रमित होती रहती है, फिर उनका भाषण रिफाइन नहीं होगा। बाप का तो सदैव भाषण रिफाइन ही है, वो है ही रिफाइन करने वाला, वो ज्ञान का सागर है ना। जैसे सभी अभी समझाते रहते हैं फिर भी समझावेंगे, कहते हैं तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स देता हूँ तो तुमको भी खुशी होती है, हिम्मत होती जाती है। राजाई स्थापन होनी है, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वो राजाई में ऊंच पद पावेंगे। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, उसके लिए योग भी चाहिए। याद फर्स्ट है, पढ़ाने वाले को याद करना पड़े। माया भी बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देती है। वेद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो दिल में खुशी रहनी चाहिए समझाने की। योग नहीं है तो मैनर्स भी नहीं रहते। अभी तक भी बहुतों के मैनर्स जानवरों से भी बदतर है, जैसे कि ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है, वो क्या समझा सकेंगे।
नए नए आते हैं उनको थोड़ा भी समझाओ तो जट समझ जावेंगे, तुम्हारे सामने आवेंगे जट समझ जावेंगे, ये तो बड़ी तीखी है फलाने। तो ऐसे ऐसे हैं जो समझा ही नहीं सकते, तुम हमको ऐसा समझाया, इसलिए कहते हैं हमको अनुभवी होशियार चाहिए टीचर। कोई को तो 20 वर्ष में भी कोई अनुभव नहीं होता है और कोई को एक हफ्ता में ही सारा अनुभव हो जाता है ज्ञान का। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो दिल से बहुत अच्छी लगती है, पुरानियों को धारणा होती नहीं है और नए नए फट उठा लेते हैं। याद की यात्रा में न होने से स्वभाव भी बदलता नहीं है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और कईयों का स्वभाव बिगड़ता भी है। पहले पहले तो ऐसा होता था जिसको आधा कल्प याद किया है, अरे वो हमको मिला है तो हमको कितना याद करना चाहिए। 1 अप्रैल 1968 की वाणी का 3rd पेज। तुम बच्चे समझते तो हो कि ऊंचते ऊंच बाप हमको मिला है, दुनिया में तो ये बात का किसी को पता ही नहीं है। वो समझते हैं कृष्ण ने गीता सामने सुनाई, अभी तुम बच्चे तो समझते हो उसको मनुष्य भगवान समझते हैं। वो अभी लास्ट स्टेज पर है, कौन है, कौन लास्ट स्टेज पर है? मनुष्य जिसको गीता का भगवान समझते हैं वो अभी लास्ट स्टेज पर है। अभी फिर फर्स्ट स्टेज पर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो भी ड्रामा प्लान अनुसार कर रहे हैं। अभी तुम भी समझते हो हम आस्ते आस्ते उतरते उतरते अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर श्रीमत पर सभी सतो प्रधान स्टेज पर जा रहे हैं। जाना तो सभी को है, बाप हमको याद दिला करके अमृत बनाते हैं। अमृत पीते हो तो अभूल बन जाते हो, देवताएं कब कोई भूल या पाप नहीं करते, कोई व्यर्थ अक्षर उनके मुख से नहीं निकलता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सभी व्यर्थ है, ऐसी व्यर्थ बातों को नहीं सुनो न सुनाओ। बहुत बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं व्यर्थ बोलते हैं, बाप कहते हैं कभी व्यर्थ मत बोलो। Hear no evil, see no evil, talk no evil, सख्त मना है। व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम उनको रिस्पॉन्ड मत करो, चले जाओ। परंतु गुस्से में आकर के रिस्पॉन्ड जरूर कर देते। बाप की शिक्षा पर तो कोई झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। Hear no evil, इन बातों के अर्थ को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। जो महारथी बच्चे हैं वो समझते हैं व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ बोलना इविल है। एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दे, इससे भी बेहतर है किनारा कर दे। इसमें भूत आता है तो अच्छा नहीं लगता है, किनारा करना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा, रंज तब होता है जब उसकी कचहरी की जाती है। तो बच्चों को खीर खंड होकर के रहना चाहिए, लूल पानी होने की दरकार ही नहीं है, तुम चुप रहो। एक मिसाल देते हैं ना, दो देवरानी जिठानी लड़ती थी,
तो उसने कहा मुख में मुलारा डाल दो, तो बोल ही नहीं सकेगी, बहुत भूले हो जाती है, बोल बोल करके थक जाते हैं, फिर उनको पानी पिलाते। बाप तो रोज समझाते हैं, एक दो को भाई भाई देखो, जिस्म को देखो ही नहीं, विषम जिस्म को देखेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे किससे, भाई भाई की दृष्टि रखो तो चुप रहेंगे, चुप होने का ही नारज मिलता है। बाप को याद करो, मुख से कुछ भी ना बोलो, बाप को याद करेंगे पढ़ाई में मस्त रहेंगे, बातें करने की दरकार ही नहीं। तो समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हें याद की यात्रा में रह सकते हो। सुदर्शन चक्रधारी बन याद याद की यात्रा में रहो। बाप बच्चों के सच के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और फिर शांति का सागर भी है, तुम उनके बच्चे हैं तो तुम भी शांति के सागर बन जावेंगे, तुम भी वापस जावेंगे तो तुमको ऐसे ही कहेंगे ये शांति का सागर है, सुख का सागर है, फिर तुम तो यहाँ आते ही हो, तुबके से बदल करके सागर के बच्चे बनने के लिए। फिर है अपनी अपनी प्रारब्ध, ये सारा ड्रामा मिनूद है। बाप कल कल तुमको समझाते हैं, बाप की ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है, ये कोई मनुष्य की नॉलेज नहीं है, बेहद का बाप जो निराकार है वो नॉलेज फुल है, उनकी ये नॉलेज है, और कोई ये नॉलेज दे ही नहीं सकता है। इसको कहा जाता है कहानी बाप की नॉलेज, ये ऐसी कहानी है सत्यनारायण की कथा, जिसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। कितना प्यार से पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होकर के गए हैं और पवित्र थे, इसलिए अपवित्र मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। वास्तव में पतित को पतित के आगे माथा नहीं टेकना चाहिए, कन्याएं भी पवित्र होती हैं तो सभी उनको माथा टेकते हैं, सन्यासी जो पवित्र रहते हैं वो भी माथा टेकते हैं, फिर कोई कन्या जब अपवित्र बनती है तो सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है। सन्यासी बल पवित्र रहते हैं परंतु सदैव पवित्रता तो उनके पल्ले नहीं पड़ती, जन्म तो फिर भी उनका विकार से होता है, तो ये है ही पतित दुनिया, एवर पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही बाप है। जिस पतित दुनिया में आने के बाद भी, पतित तन में आने के बाद भी एवर प्योर बनकर रहता है, रावण राज के बाद ही ये पतित होते हैं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वो देवताओं की दुनिया है, वॉइसलेस वर्ल्ड है, और ये है विशेष वर्ल्ड। मनुष्यों की बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि आज सनातन देवी देवता धर्म वॉइसलेस था, फिर कहेंगे सेमी वॉइसलेस, फिर होते हैं विशेष, अभी तो सब विशेष है, कलाएं कम होती गई, और साथ करके जाना तो चाहिए फुल में, फुल वॉइसलेस। मैं तुमको पढ़ाता हूं तो क्यों नहीं फुल वॉइसलेस बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आता हूं, पीछे तो सेमी स्वर्ग कहेंगे, पूजा भी पहले अभी विचारी फिर भी विचारी हो जाती है। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, जिन्होंने अब बिविचारी पूजा की है वो अभिचारी याद में भी टिकेंगे, और जिन्होंने सिर्फ बिविचारी पूजा की है वो याद भी उनकी बिविचारी ही बनी रहेगी, जिन्होंने ज्यादा भक्ति की
वो ज्ञान भी जास्ती उठावेंगे, और जिन्होंने भक्ति ही कम की वो ज्ञान भी कम उठावेंगे। कोई ने आदि में भक्ति जास्ती की है, अंत में भक्ति बिल्कुल नहीं करते, तो शूटिंग पीरियड में भी उनका पार्टी भी ऐसा ही चलता है। जो बहुत पढ़ेंगे वो ही वॉइसलेस वर्ल्ड में जाएंगे, जो फेल होते हैं उनको तो शांति धाम ही मिलता है। ओम शांति।